बरनाला पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। थाना रुड़ेके कलां की पुलिस ने आज 40 ग्राम हेरोइन के साथ दो नशा तस्करों को काबू किया है। नशा तस्करों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बता दें कि बरनाला पुलिस की चिट्ठे को लेकर ये पिछले करीब 2 साल में सबसे बड़ी रिकवरी है। इस मामले में जानकारी देते हुए थाना रुड़ेके कलां के SHO कमलजीत सिंह गिल ने कहा कि आज नाकाबंदी के दौरान 2 बाइक सवार लोगों को चेकिंग के लिए रोका गया तो उनसे 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक बाइक भी मौके से बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह तस्कर किन लोगों को यह चिट्ठा लेकर बेचते थे। वहीं नशा तस्कर कैलाश नाथ ने बताया कि वह हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला है और हरियाणा से हेरोइन लाकर बरनाला के आसपास के इलाके में बेचता था। उसने बताया कि वह ये नशा तस्करी का काम पिछले 9 महीनों से कर रहा था। आजाद टीवी न्यूज के लिए बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। क्लास ना क्लास कितो दा रहन वाला तारसुल हां तारसुल केडी स्टेट दे बंदा है फतेहाबाद ते कितो ले कंदे तू चट्टा है जेड़ा फतेहाबाद की रेट ले कंदे सी उतो 1400 हां 1400 अगे की रेट बेचदे सीगे 1600 किन्ने देर तो काम कर रहे हो जी 9 महीने तो पहला किन्ने मामले दर्ज है एक भी नहीं है हां एक भी नहीं है असी दो मुरजम गिरफ्तार किए ने एक का नाम हैगा कैलाश कुमार है एक सुनील कुमार है दोनों ही हरियाणे के है इन्हों का पिंड हैगा तारसोल जिला फतेहाबाद पिंड है इन्हों को 40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है नहीं पिछों फते कहना मैं फतेहाबाद तो लेके आया अगे किनू सप्लाई करना सी रिमांड लेके तो पुछगिछ करांगे।